Good evening, everyone. In this uh, very first video of technical analysis, we will try to understand that what exactly is uh, technical analysis. So um, there are two parts when we analyze any share. And first is fundamental analysis, and the second part is technical analysis. If we study any तो या तो हम उसको फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस पे पढ़ते हैं या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पढ़ते हैं या दोनों की तरह से हम उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं और टेक्निकल भी करते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड दैट व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस तो जैसे कि अगर किसी किसी भी कंपनी को अगर हम उसका इफ़ यू गो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ एनी कंपनी लाइक हाउ इज द सेल्स

टेक्निकल एनालिसिस में आता है बट इज़ लाइक स्टडिंग ओनली द शेयर प्राइस ऑन चार्ट इज़ अ कम्प्लीट टेक्निकल एनालिसिस नो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मनी कंट्रोल का साइट है मनी कंट्रोल के ऊपर ये मैंने एस पी का चार्ट खोला हुआ है, आप जब इस चार्ट को स्टडी करते हैं आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है अभी आप सिर्फ इसे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट अगर स्टडी करेंगे तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। अब इस चार्ट को आप देखते हैं तो ये एक कैंडल स्टिक चार्ट है देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ चार्ट लाइक दिस इज़ कैंडल स्टिक यू कैन चेंज इंटू लाइक एरिया वन यू कैन चेंज इकनाशी यू कैन चेंज दिस वन एज अ बार चार्ट बट नॉर्मली या ज़्यादातर जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो किसी भी स्टॉक को कैंडल स्टिक चार्ट पे स्टडी करते हैं तो ये तो हो गया आपका कि ये चार्ट कौन सा है ये आपका कैंडल स्टिक चार्ट है एस पी अपैरल का तो और ये जो ग्राफ है ये ग्राफिकल जो एक इंफॉर्मेशन है ये बताती है कि उस स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो कैसा है right? राइट दूसरी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है Uh, उसके ऊपर देखने के लिए कि ये एक ये प्राइस मूवमेंट तो बताती है इसके अलावा ये आपको टाइम फ्रेम के बारे में भी बताती है जैसे अभी हमने इसे डेली चार्ट के ऊपर पढ़ा हुआ है हम चाहें तो इसे वन आवर चार्ट के ऊपर थर्टी मिनट्स के ऊपर फिफ्टीन मिनट्स के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं इसे फिफ्टीन मिनट्स में करता हूँ तो इस चार्ट की पोजीशन ऐसी हो जाएगी अगर मैं इसे थर्टी मिनट्स पे करता हूँ तो इस चार्ट की पोजीशन ये है और अगर मैं इसे डेली एनालिसिस डेली का मतलब ये एक जो कैंडल है दिस रिप्रेजेंट ओपनिंग क्लोजिंग हाई एंड लो ऑफ अ सिंगल डे ये देख रहे हैं आप जैसे सेवनटीन दिसंबर देन ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी दिसंबर तो जिस दिन इसमें जो ट्रेडिंग हुई है तो पूरे एक दिन का जो ट्रेड है वो ये एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है देन ओवर here इट इज़ one डे five डे one मंथ three मंथ six मंथ one ईयर एंड five years. हम इसे अगर one ईयर का चार्ट देखते हैं दिस इज़ अ six मंथ चार्ट दिस इज़ अ three मंथ चार्ट राइट तो किसी भी एक तो बेसिक पॉइंट ये याद रखें कि, कि किसी भी चार्ट को जब हमें देखना होता है तो हम उसे लॉन्ग टर्म पे देखते हैं मतलब एक लंबा चार्ट हम बनाते हैं एटलीस्ट फॉर अ ईयर और मोर देन ईयर और तब हम उसकी प्राइस को एनालाइज़ करते हैं नाउ कमिंग बैक कि इस आ, खाली इस प्राइस को ही देखना जो है वो काफ़ी है कि आपने इस चार्ट को देखा और इस चार्ट की खाली आपने एक सेकंड पहले इसको डी पे लगा देते हैं ये हमारा चार्ट है एस पी ए का दिस इज़ कैंडल स्टिक चार्ट ऑन डेली बेसिस ये कैंडल एक दिन की ओपनिंग क्लोजिंग हाई एंड लो को रिप्रजेंट करता है तो इफ अगर हम खाली सिर्फ इस चीज़ को स्टडी करें इफ यू जस्ट स्टडी दी प्राइस पैटर्न लाइक हाउ इट इज मूविंग इज इट इन नो देन व्हाट इज़ द सेकंड थिंग वी ऑब्जर्व द वॉल्यूम ये नीचे आपके बार्स हैं ये आपके वॉल्यूम बताते हैं वॉल्यूम का मतलब कि द नंबर ऑफ शेयर ट्रेड इन अ डे इज वॉल्यूम अगर किसी एक कोई शेयर फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड वन लाख शेयर जो हैं एक दिन में ट्रेड होते हैं तो वो उसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं नाउ <coughs> दो चीज़ें हो गई प्राइस वॉल्यूम थर्ड पॉइंट इज इंडिकेटर्स इस प्राइस इस चार्ट में बहुत सारे आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं व्हाट आर इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स हेल्प्स यू इन डिटरमाइनिंग द प्राइस मूवमेंट ऑफ द चार्ट Why you are studying this chart? Because you would like to know that in which direction the stock will move, whether the stock will go up or whether the stock will go down, whether it will be an uptrend or whether it will be a downtrend. That is the only purpose of studying any chart, right? So there are several indicators like MACD, Bollinger Bands, and so on, which a person can use in in determining the next future direction. But

कंपेरिटिव स्टडी विद निफ्टी वाई इट इज इम्पॉर्टेंट आप अगर निफ्टी का चार्ट आप देखें और निफ्टी का चार्ट अप ट्रेंड में है तो आपका मार्केट भी अप ट्रेंड में होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका स्टॉक भी अप ट्रेंड में जाए बट इफ देर इज समॉब्लम इन निफ्टी इफ द निफ्टी इज रेंज बाउंड मीन इफ निफ्टी इज नॉट मूविंग इट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज़ नॉट गोइंग अपवर्ड इट इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड और इफ़ द निफ्टी इज फॉलोइंग लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मंथ बिफोर वैन

फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब अभी भी कोविड uh, ख़त्म नहीं हुआ है तो जितने भी इंटरटेनमेंट स्टॉक्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पी वी आर या आईनाक्स या सिक्योरिटी सर्विसज के स्टॉक्स हैं क्योंकि वो सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है इसलिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो पी वी आर आइनॉक्स जैसे अच्छे स्टॉक हैं वो भी नहीं परफॉर्म करेंगे सॉरी अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद हैं वो सेक्टर जो आपका रियलिटी सेक्टर है अगर वो डाउन है तो सीमेंट स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे स्टील स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे तो बिफोर जंपिंग इनटू एनी कंक्लूजन अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है कि जो सेक्टर का स्टॉक मैं बाय कर रहा हूँ वो सेक्टर परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है इसी बात को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है सिर्फ स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को पता करना और एनालाइज करना टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस को हम कहाँ पे स्टडी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को हम चार्ट पे स्टडी करते हैं ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस है इसे हम इस चार्ट के ऊपर देख रहे हैं डेट इज़ कैंडल स्टिक चार्ट डेली मूवमेंट इस चार्ट पे आप इसे पता करते हैं तो ये हो गया आपका प्राइस मूवमेंट उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है फिर हम इसमें कुछ इंडिकेटर्स लगा के देखते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दो इंडिकेटर्स एंड हाउ टू यूज देम फिर फोर्थ पॉइंट इज वी डू अ कंपैरेटिव स्टडी विद निफ्टी अगर निफ्टी अप ट्रेंड है तभी उस मार्केट में ट्रेड करने का फ़ायदा है अगर निफ्टी रेंज बाउंड है तो इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच इफ द निफ्टी इज इन डाउन ट्रेंड देन इट इज बेटर नॉट टू ट्रेड एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज सेक्टर एनालिसिस आप अगर रियलिटी सेक्टर में जा रहे हैं तो वो सेक्टर भी अप ट्रेंड में होना चाहिए अगर आप डिफेंस uh, <coughs> में जा रहे हैं आप डिफेंस रिलेटेड स्टॉक खरीद रहे हैं तो वो सेक्टर भी जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए तभी आपके स्टॉक परफॉर्म कर पाएंगे तो दिस इज द फर्स्ट एन अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वॉट इज टेक्निकल एनालिसिस इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो वन बाई वन एंड वी विल स्टडी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ technical analysis. Okay. Thank you.